मैं कह रही थी ना, यही वर्गल आ रही है उसे। जिस लड़के के हाथों जलील खुद हुई है वो, उसी की गुलामी करवा के हमें सोसाइटी में नीचा दिखाना चाहती है। इस पॉइंट तक उसको आप ही लेकर आइए। तो अब आप उसकी हिमायत करेंगे? जिस लड़की की आंख में जरा बराबर भी लिहाज नहीं है। आपने उससे लिहाज मुरब्बत दिखाने वाले ताल्लुकात रखे ही नहीं। अगर रखे होते तो शायद सालार को संभालना मेरे लिए इतना मुश्किल ना होता। खैर, अभी भी सब ठीक हो सकता है। आप सालार से कह दें कि अगर यही काम करना है तो अपनी अलग कंपनी खोल ले। किसी और की गुलामी करने से तो बेहतर है ना। आप सालार से बात करेंगे ना? मैं फुरकान से बात करूंगा। I'll talk to him. भाई मेरा तो बड़ा दिल था खानदान की सुघड़ लड़की लाने का, लेकिन क्या करें भाई, लड़के कोई गंद में मुंह मारने का शौक था। वो गंद तो महल में किसी शहजादे का ताज बनकर राज कर रही है। हाँ ना, लेकिन निम्मी और कासिम तो अंदर ही अंदर पींगे बढ़ा रहे थे। बातें करते थे इसी बात पे, तो सुरैया भी मुंह बना के बैठी हुई है। अच्छा, नजमा ने हमें तो नहीं बताया। मियाँ बताएगी तो उस वक्त ना, जब वो राजी होगी। वो तो कहती है कि लड़की मरती मर जाए, लेकिन जिस खानदान में सितारा और निम्मी के किस्से मशहूर हों वहां नहीं ब्याहूंगी। बुरा नहीं मनाइएगा खाला भी, लेकिन अगर निम्मी के किसी के साथ किस्से ना भी मशहूर होते ना, तो भी कासिम का रिकॉर्ड ऐसा है नहीं कि उसे कोई लड़की दे दे। अरे भाई नहीं देना तो ना दे, लेकिन अपनी बेटी को तो कम से कम संभाल के रखे ना। वो तो कासिम के पीछे पड़ी हुई है हाथ धो के। इधर फोन कर उधर फोन कर, मुझे दुबई ले चलो। और कासिम? अरे भाई कासिम का क्या है, वो तो लड़का है, उसके पीछे हाथ धो के पड़ी हुई है। जैसे जैसे उसे चलाती है वो वैसे चल पड़ता है। अरे उसके भाइयों तक से जलील हो रहा है। इसका मतलब है कासिम भाई भी सच्चा प्यार करने लगे हैं निम्मी से। सलार भाई भी ऐसे ही जलील होते थे। अच्छा तुम उठो, जाओ चाय का पानी रखा है चूल्हे पर, जाकर देख। मैं देखती हूँ। देखो लड़की को समझ आ गई, लेकिन उसकी फूफी को समझ ना आई। अगर निम्मी का कहना नहीं मानेगी ना, तो वो भी सितारा की तरह जाएगी। तुम सलार सिकंदर हो, और ये बात तुमने मुझे कल क्यों नहीं बताई? जॉब के लिए पर्सनल डिटेल्स रिक्वायर्ड नहीं थी, इसलिए नहीं बताई। कुछ तो बताते, इतना ऑकवर्ड नहीं होता। कल मुझे वेन्यू पे पता चला, और आज
क्यों, क्या वो कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? नहीं कुछ नहीं, बस यार जॉब करना तुम्हारा कैलिबर नहीं है, तुम्हें बिजनेस करना चाहिए। लेकिन बात क्या है, किसी ने कुछ कहा है क्या? देखो मैं तुम्हें डिच नहीं करूं, लेकिन मैंने ये कंपनी अकेले स्टार्ट की थी और बहुत मेहनत से बनाई है। तो ये कि ना तो मैं इसे सेल करना चाहता हूँ और ना ही बर्बाद। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं, आप कहना क्या चाह रहे हैं, खुलकर कहें ना प्लीज। तुम्हारे फादर को तुम्हारा मेरे साथ काम करना अच्छा नहीं लगा। अच्छा, देखो यार मुझे नहीं पता कि तुम्हारा तुम्हारी फैमिली के साथ क्या तनाज है, लेकिन तुम्हारी फैमिली कॉन्फ्लिक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस मैं भुगतना नहीं चाहता। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने ये कहा है कि अगर तुम मेरे साथ कंटिन्यू करते हो तो कंपनी की ऑनरशिप उनके नाम करनी होगी। वरना वो इस कंपनी को डिस्ट्रॉय कर देंगे। और आपने क्या कहा? ये कंपनी मेरा ड्रीम है सालार, इसलिए आई एम सॉरी। नहीं प्लीज डोंट बी सॉरी। आई एम सॉरी।